हेलो साक्स, मैं आया हूं शार्क टैंक इंडिया के इस शो में ताकि मैं अपना एक इनोवेशन दिखा पाऊं। भाई ये क्या है, हमारा शो सस्ता है तो ऐसे चालू करेंगे? देखिए साक्स, ये है एक आलू, नॉर्मल आलू है, इसे हम खा भी सकते हैं। वाओ, इसका आपको पता है इस आलू से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि मेरे इस इन्वेंशन की वजह से कहाँ गया ओ ये रहा, इसके वजह से यहाँ पे चेस्ट में देख सकते हैं आप लोग कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं इसके अंदर ये आलू डालूंगा, उस साइड से सोना निकालो। नहीं सोना नहीं निकलेगा इसके अंदर से बॉय भी निकलेगा। ये देखिए जादूगर है क्या, तेरे घर पे जादूगर आया था? और इसके अंदर हम लोग बॉय में आ चुके हैं। देखा, हम लोग बस यहाँ से डालते जाएंगे और इधर से बॉय में निकलते जाएगा। ये देखो, तो साक्ष बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये इन्वेंशन? तो मेरे इस इन्वेंशन के लिए मुझे चाहिए आप लोगों से पूरे 200 करोड़ रुपए फॉर माई 1% कंपनी का इक्विटी। भाई क्या कर रहे तू, ये क्या मजाक है? ओके अनोखे सर, आप बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे? आप अगर कोई आइडिया को अपने नाम पे रजिस्टर करते हो तो आप उसके नाजायज बाप बन जाते हो, और अगर आपका आइडिया कोई यूज करे तो आप उसको नाजायज बाप की तरफ पीट सकते हो। अबे साले। पपीता जी आप बताइए आपको क्या लगता है मेरे इन्वेंशन के बारे में? ये जो आपकी फील्ड है इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। For that reason, I'm out. आप तो कम से कम एक डील ले लीजिए सर। चमन जी आप एक कोई तो डील ले लीजिए मेरे को। अमन गुप्ता का नाम सुना है? अरे वही बोट वाला, उसका मैंने बोट का कंसेप्ट चुरा के अपना बोट बना लिया, इससे बड़ी चोरी और क्या होगी? तू बता त्रिलोन है? ठीक है डन डन डील डन डील डन ओके ओके भाई ये बढ़िया काम किया तुमने। अबे हाँ, दिन जगह कमीज फट जाएगी। कांग्रेट। तो मैं आ चुका हूँ अपने बहुत ही खतरनाक इन्वेंशन को लेके, और मेरा इन्वेंशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। सारे सास को मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा, और खासकर चवन जी आप तो बिल्कुल सुनना, और पपीता जी आप भी। तो देखो साक्ष, ये है मेरा खतरनाक सा मशीन है, देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है और अजीब सा लग रहा है, बट ये कारपेट डुप्लीकेटिंग मशीन है। और आपको पता है ये कारपेट को हम लोग एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो हम लोग के पास अनलिमिटेड फ्यूल हो जाएगा। बस हमें इसको चलाने के लिए एक रेजिस्टर की जरूरत है, हम लोग बस यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाएंगे और ये कारपेट चल जाएगा। तो जैसे देखिए अभी मेरे पास कुछ भी इन्वेंटरी में नहीं है, बस एक रेडस्टोन है, और मैं इसको बस अपने यहाँ पे लगाऊंगा और हमारा मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें बहुत सारे अनलिमिटेड कारपेट्स मिल जाएंगे। यहाँ बस एक ही कारपेट था और यहाँ पे मुझे अनलिमिटेड कारपेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर लाइफ टाइम। और इसको मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको फ्यूल बना सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। सॉरी यहाँ पे लगाना था क्या? हम इसको बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक इसका हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, इसको हम लोग ऑटोमेटिकली कहीं पे भी ले जा सकते हैं फ्यूल को, लाइक इसका मेन सोर्स तो मेन यूज़ तो फ्यूल ही है, या फिर हम लोग इसको कहीं लगा सकते हैं छत पे, जैसे कि आप लोग को आसमान दिख रहा है गरीब लोग से, मॉब भी स्पॉन नहीं होते, इससे हम लोग क्लाइंबिंग कर सकते हैं, मतलब ऊपर जा सकते हैं, टावर अप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। तो बताइए कौन सा, बस ये काफ़ी शोर करता है तो इसको मैं अकेले बंद कर दे रहा हूँ। देखिए इस इतने टाइम मेरे को एक स्टैक से भी ज़्यादा कारपेट मिल चुका है, तो बताइए कौन कौन मेरे साथ आना चाहेगा? हाँ ये बंदा ना शक्ल से जेन्युइन लग रहा है, बोल बोल बोल। ओके तो डील की बात रही तो मैं चाहता हूँ आप लोग का पूरा प्रॉपर्टी के बदले सिर्फ 1% इक्विटी। चेक रेडी है, बोल दूँ आऊँ वहाँ पे। ओहो थैंक यू सर, थैंक यू, डील डन। ओके। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने शार्क टैंक का स्पूफ बनाया, बट मैंने सोचा कि मैंने अभी तक फेस रिवील किया नहीं है, और ना मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं हम स्पूफ वीडियो बना पाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो क्यों ना मैं माइनक्राफ्ट शार्क टैंक बनाऊँ। तो या गाइस इसलिए मैंने माइनक्राफ्ट शार्क टैंक बनाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।